हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। ये टॉपिक बेसिकली हमारे क्लास 12 की जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसके अंदर ये आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले ये जो शब्द है गैमेटोजेनेसिस, इसको देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, गैमेट प्लस जेनेसिस। तो गैमेट का मतलब होता है हमारा गैमेट और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इसका मतलब बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और हम इसको और अच्छी तरीके से बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो जगह होती है जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, या फिर ऐसी बॉडी जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो कहलाती है गैमेटोफाइट। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात करेंगे मेल गैमेट की, या फिर मेल पॉलन ग्रेन जो होता है उसकी। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मेल जो गैमेट होता है वो हमें मिलता है स्टैमेन में, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्टैमेन को। तो एक स्टैमेन जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहली फ्लामेंट और दूसरी एंथर। फ्लामेंट जो होता है वो अटैच होता है हमारा फ्लावर में, या तो पेटल से अटैच होगा या फिर थैलेमस से अटैच होगा। और जो हमारा फ्लामेंट होता है वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, और एंथर जो होता है वो हमारा डिस्टल पार्ट होता है। अब एंथर के अंदर बनते हैं हमारे पॉलन ग्रेन, तो इसीलिए ये हो जाता है फर्टाइल पार्ट, और जो फ्लामेंट होता है वो होता है हमारा स्टराइल पार्ट। स्टैमेन जो होता है वो हमारा प्रॉक्सिमली स्टराइल होगा और डिस्टली फर्टाइल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एंथर की। ये जो एंथर है इसको जब हम कट करते हैं तो इसके अंदर दो लोब होते हैं, उन लोब को हम बोलते हैं डाइथीकस, और उन दो लोब में चार थीका होते हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्राथीकस। ठीक है, ये जो हमें एंथर दिख रहा है, इस एंथर में एक दो लोब हैं और एक दो तीन चार थीका, तो इसलिए हो गए टेट्राथीकस। अब इस एंथर की जो हमने टी एस ली है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, उसकी ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं और जो हमारा मेल गैमीट है वो कहाँ पर बनता है, उस प्रोसेस को हम देखेंगे। तो ये जो मेल गैमीट है हमारा वो बेसिकली ये एंथर जो होता है, उस एंथर के अंदर कुछ स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, उन स्पोरोजिनस टिश्यू से प्रोडक्शन होता है हमारे मेल गैमीट का। तो सबसे अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये होती है स्पोरोजिनस टिशू। स्पोरोजिनस टिशू इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्पोरो प्लस जिनस। जिनस का मतलब होगा यहाँ पर प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो स्पोरोजिनस टिशू है यही डिफ्रेंशिएट होकर आगे चलकर मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर ये जो स्पोरोजिनस टिशू है इसकी आउटर कवरिंग है जो सबसे पहली वो होती है टैपेटम, और टैपेटम को बोलते हैं नर्स सेल। ये जो स्पोरोजिनस टिशू है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। ये होती कैसी है, ये सिंगल लेयर होती है और इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन करती है जिसको कहते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस एक एबनॉर्मल टाइप का माइटोसिस होता है। ठीक, अब इसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे तीन लेयर और पाई जाएंगी, पहली एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। एपिडर्मिस जो होगी वो सिंगल लेयर होगी, और एंडोथीसियम जो होगी वो भी सिंगल लेयर होगी, और जो मिडिल लेयर होती है वो होती है 2 to 3 लेयर। और ये जो तीनों लेयर हैं इनका काम होता है एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन इसमें जो एंडोथीसियम होती है ये सिंगल लेयर होने के साथ साथ हाइग्रोस्कोपिक भी होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हुई ये हमारी हुई माइक्रोस्पोरेंजियम की, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम।
इसके जो सेंटर में ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये होता है कनेक्टिव, ये आपस में सबको कनेक्ट करके रखता है। और ये जो साथ में ये आपको साइड में जो खाँच दिख रही है, इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमियम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू से आगे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू है, जिसकी जो सेल्स होती हैं वो 2N नंबर, यानी कि इनकी जो पोलाइडी होती है वो 2N होती है। ये डिफ्रेंशिएट होकर बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का ये जो दूसरा नाम होता है वो होता है पॉलिन मदर सेल। पॉलिन मदर सेल भी 2N होती हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है पोटेंशियल पॉलिन। पोटेंशियल पॉलिन इसका एक दूसरा नाम होता है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न। मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होगा हमारा रिडक्शनल डिवीज़न, और रिडक्शनल डिवीज़न होने से यहाँ पर जो 2N नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो प्रोजिनी में जाकर N नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रह जाते हैं, और यहाँ बनता है डाइडॉप माइक्रोस्पोर। डाइडॉप माइक्रोस्पोर में होता है फिर मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होता है हमारा इक्वेशनल डिवीज़न, या फिर इसको हम बोलते हैं लाइट माइटोसिस। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे जितने क्रोमोसोम सिंगल, यहाँ पर जो डाइडॉप माइक्रोस्पोर में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम, या फिर उतनी ही पोलाइडी हमारी टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर में होगी। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसकी स्ट्रक्चर हम इस टाइप से देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल हुई, ये 2N नंबर है, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ। और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद डाइडॉप माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, डाइडॉप माइक्रोस्पोर में मियोसिस सेकेंड हुई। अब मियोसिस सेकेंड होने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। यहाँ पर ये हमें चार चार माइक्रोस्पोर मिल गए हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर मिल गए हैं हमें, इन माइक्रोस्पोर में आपको ये दिख रहा है 1, 2, 3, 4, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं कैलोस पैड की हेल्प से, और बाद में जब ये अलग अलग होते हैं एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है कैलेज एंजाइम। ठीक है, ये इनको सेपरेट करने में हेल्प करता है। अब ये जो हमें माइक्रोस्पोर यहाँ पर मिले हैं चार चार, इन माइक्रोस्पोर्स, ये सारे ही जो माइक्रोस्पोर हैं इनको सेपरेट होने के बाद इनसे बनता है पॉलिन ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए माइक्रोस्पोर यहाँ पर लिया, इसकी पोलाइडी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें सबसे पहले होता है इक्वल कैरियोकाइनेसिस। इक्वल कैरियोकाइनेसिस का मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा बराबर बराबर भागों में। अब जैसे ही इक्वल कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद यहाँ पर हो जाता है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का मतलब एक सेल बड़ी बनेगी और एक सेल छोटी बनेगी, सेल डिवीज़न का प्रॉपर ना होना। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीज़न होना। ठीक है, तो जब अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा तब इसमें एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। छोटी सेल को हम बोल देंगे जनरेटिव सेल, और बड़ी सेल को हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। और फिर इसके बाद इसमें दो स्ट्रक्चर जो बन रही हैं वो हो रही हैं, पर हमारी पहली हो बन जाती है इसमें इंटाइन, जो कि लिविंग सेल होती, लिविंग लेयर होगी, और दूसरी बनती है एग्जाइन। ये जो एग्जाइन होती है ये बहुत ही हार्ड होती है, और ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। ठीक है, जिससे ये, ताकि हमारा जो पोलिन ग्रेन बना है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक किसी जगह पर पड़ा रहे, तब भी ये डिग्रेडेबल ना हो। और यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर, ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको वो कहते हैं हम जर्म पोर। ये हैं, ये जो जर्म पोर होती है यहाँ से पॉलिन ट्यूब निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ये जो हमारी वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल आगे बनाती है पॉलिन ट्यूब को। ठीक है, और जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल बनाती है दो मेल गैमेट्स को, और यही हम दो मेल गैमीट, ये मेल गैमीट हमें कहाँ मिलेंगे, पॉलिन ग्रेन के अंदर। ठीक है, पॉलिन ग्रेन क्या है हमारा, मेल गैमिटोफाइट। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें, और चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह की आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।